सबको सलाम। और आज कुछ एक दोस्त के कबूतर थे फ़कीर गुल, तो मैंने कहा चलो फ़कीर गुल के इसमें दो तीन कलर हैं वो भी आपको दिखाते जाएं, और फ़कीर गुल कितना यूज़ेबल है वो भी थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, और फिर एक आध शौक भी करवाएंगे कुछ आपको उनकी फ़कीर गुलों की चीज़ें थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी उनकी वो समझाएँगे। तो चलते हैं, मेरी शक्ल तो आपने बहुत देखी होगी, तो कबूतरों की शक्ल भी दिखाई जाए आप लोगों को। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो के ऊपर मेरा ही नंबर लगा होता है, और बार बार मुझसे ही पूछते हैं कि सर आपकी वो मोबाइल नंबर कहाँ है, तो मोबाइल नंबर ऊपर ही लिखा होता है मेरा। तो शुरू से आपको चलते हैं, अपनी इस तरफ ऐसे आ जाए। ये देख लीजिए, ये बिस्मिल्लाह के साथ शाबाश, के पूरे ज़रात नहीं नज़र आ रहे। मैं दिखा देता हूँ अभी, एक ही तो ये बताएं सर, ये कौन सा फ़कीर गुल कबूतर है, क्या कहेंगे इसको? ये जेन्युइन ओरिजिनल फ़कीर गुल ये कबूतर है। इनकी आइज़ का शेड देख लें, आँख की चमक देख लें, पलक की बारीकी देख लें, सुरमई चोंच, सुरमई पलक, ज़रेदार आँख और क्रीम आँख, ठीक हो गया। अब ये फीका सा था इसका हल्का सा, और ये इसके ये जो फांटे हैं ना, अच्छा जी, ये जो फांटे आए हैं ये इसकी फ़कीर गुल के, जितने ये ज़्यादा होते हैं उतना पसंद किया जाता है। सही। बहुत ही मुनासिब जिस्म है, यानी पकड़ में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कोई आला क्वालिटी का टैडी पकड़ा हुआ है। और ये इनके कुंडों की शेप है। अब ये अभी कोई दो साल का कबूतर है, पर उसकी शेप भी देख लें, इसकी सलवटें भी देख लें, बगल भी देख लें। अब ये जैसे जैसे एज करेगा ये छप जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल फ़कीर गुल है? जी जी, जेन्युइन। तो इसके मतलब कुछ ऐसी बातें जो मतलब आप देखें, क्योंकि मैं खा कितने किस्म के फ़कीर गुल हैं? फ़कीर गुल तो अब 11-12 नस्लों में हो गए हैं, सबके अपने अपने हो गए हैं। किसी के अब तो कच्ची चोंच में भी फ़कीर गुल कर दिए, तो लेकिन फ़कीर गुल जो है वो कच्ची चोंच में नहीं होता। असालत में अगर कबूतर के मतलब थोड़ा पीछे हो जाएगा सर, जी जी, तो असालत में अगर कोई कबूतर पकड़े फ़कीर गुल, तो उसमें आंख में सबसे पहले किस कलर? जरकानी जो पीलाहट मारती हुई, दो आंखें इसकी, एक सादी सी सफ़ेद है, सही है, और धूप में रखेंगे उसमें गुलाबी ज़रात आएंगे, ठीक है, और एक जो है क्रीम आंख है, ठीक है, दो आंखें इसकी, सही। और जब इसको स्टार्ट में जब ओपन करके बनाया गया, तो इनकी आंखें असल में बेसिक पीछे जो है ना शालकोटी कबूतर ही है इनमें, तो उसमें सिल्वर आंख भी इसमें आ जाती है, क्योंकि पीछे अगर ब्लड मारेगा तो वो सिल्वर आंख आ जाएगी। मैं सिल्वर भी कौन सी आएगी, मैं उसकी भी सही एक आपको दिखा दूंगा। और फ़कीर गुल जो है वो चलते हुए कबूतर बताता है कि मैं फ़कीर गुल हूँ, तो यही मतलब वजूद यही होता है इनका, यही होता है, बहुत बड़े साइज नहीं है ये। सही। ये धूप में रखेंगे, इसका जो नूर का वो जो काला तिल है ये बहुत छोटा हो जाता है, अभी भी छोटा है लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है ये कबूतर का जो तिल है। और चोंचें इनकी देख ले, बिल्कुल पक्की चोंचें हैं, नाक भी इनकी मोटी होती है थोड़ी, और सर की शेप भी देख लें, ये गोल शेप नहीं होती, जो सर गोल आते हैं ना वो फ़कीर गुल नहीं है, वो सब बने हुए कबूतर हैं। थोड़ा चलता हुआ चलता हुआ चेहरा देखे ना, ये चलते हुए चेहरे, ये इनका ये जो असल पुराने टैडी है ना उनमें भी ये सिर्फ ये आएगा फूल, ये वाले, और रामपुरी भी जो जेन्युइन होगा उसमें भी सिर्फ ये फूल आएंगे। सही। तो ये इनका पल्ला है, तीन तीन पर देखे बराबर आ रहे। ये कबूतरों को इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है कि भाई इनमें मजबूती इतनी है कि तौबा करा देते हैं ना।
मजबूती इनकी दी अंडा है, जो कबूतर इसमें लग जाता है तो वो समझे वो उसने वापस आ नहीं आना। अच्छा तो परवाज को लेके अगर इनको जेन्युइन अगर उड़ाया जाए, ये मैंने देखे, मैं किसी की बात नहीं करता जी, रात रात बैठे हैं, शाम शाम बैठे हैं, बस ये 2-2.5-3 इनकी पक्की परवाज है, इससे ऊपर अगर दवाई दारू करके उड़ाते हो तो वो आपकी बात अलग है, वरना इनकी मजबूती पक्की टाइमिंग यही है कि ये 2-2.5 बजे तक मेरे पास जो उड़े हैं ना, मैं उनकी बात करूँगा। मैं ऐसे ही बोलूँ फ्ला के इतने उड़े, आपने कोई नशा दिया, आपने कोई चीज़ दी है गर्म किए, तो वो 1.5-2 घंटा बढ़ा जाए वो एक अलग चीज़ है, मैं ओरिजिनल और सादी परवाज की बात करूँगा। तो ये इनका चलते हुए थोड़ा दिखा भी दे। अच्छा ये थोड़ा सा फिर जो छापदार में आ गया, फिर उम्र के हिसाब से छापदार, अब ये जैसे ये 3 साल का हो गया। सही, अब जैसे ही 5 साल में आएगा पूरी इसकी जो है ना एक छाप रह जाएगी पूरी पूरी। सही जी, ऑडियो वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा। और मूसा भाई कराची से हमें देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। मूसा भाई बिल्कुल गायब हो गए जी, गायब हुए हैं बिल्कुल। अब इनमें एक ये भी आता है, देखे ये यरकान आँख में, जब बैक मारते हैं ना ये, तो कभी कभी इस आँख में भी आ जाते हैं। और ये इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आँख है ना, यरकान आँख, चमकती हुई आँख। सानी भाई वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये देखें जी इनकी वही रंगते देखते जाएं, इनमें जामनी गला नहीं होगा। अच्छा ये सुरमई भी शेड मार रहा है। जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ ना पीछे सियालकोटी है। सही, नदीम खान फ्रॉम इस्लामाबाद जी, वालेकुम सलाम। आतिम जतोई साहब भी देख रहे हैं हमें। अरे जतोई साहब बहुत गायब हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा। अब ये जेन्युइन फकीर गुली ही आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत बहुत लाजवाब है माशाल्लाह। चपटापन जो है इसके सर पे आ रहा है। हाँ ये कमजोर पला हुआ है। अच्छा कमजोर पला हुआ है। हाँ इसका साइज भी वो नहीं है ना, इतना बड़ा होना चाहिए। तो जो कमजोर पलता है उसमें कोई ना कोई 19-20 चीज आ जाती है। जी वालेकुम सलाम हाकिम जतोई साहब, ठीक हो गया। ये दौराने काल यार प्लीज मुझे दौराने वीडियो कॉल ना किया करें, अभी देखे उधर कॉल आ। महमूद साहब बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं अर्शद साहब, पहुँच गए आप खैर खैरियत से यूके। और ये जी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ फिर एक साथ। नदीम खान साहब सलाम कह रहे हैं आपको, और ये मेरे शहजादा भी देख लें जी। एक जी वालेकुम सलाम अरशद जी, बिल्कुल सलाम कह रहे हैं जी आपको अरशद महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम अरशद भाई, कैसे हैं? और अपना जगह पर आ जाइए सर। ये देखिए जी, एक मिनट में इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखें जो मैं बोलता हूँ ना, इनके पीछे सियालकोटी है। सही, ये पठा अभी जवान है, जैसे जैसे ये आँख अपनी वो क्लियर करेगा तो ये चांदी जैसी सुरमई आँख करेगा। इसकी आँख का रिंग भी आखिर का थोड़ा सा बता रहा है। जी जी जी, अब इसमें कहाँ से पकड़ होगी, इसकी चाल में पकड़ होगी और इसके रंगत में पकड़ होगी। अब इसके अंदर जो कबूतर लगा हुआ है, बटेरे लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका पर्पल है, थोड़ा सा दूर कीजिएगा अगर फ्रेम में आ जाए पूरे। मैं पर जानबूझ के खोल खोल के दिखाता हूँ कि पल्ला देखे किधर जा रहा है। शिव खान साहब भी देख रहे हैं। वालेकुम सलाम शिव खान साहब, देख रहे हैं बाल जैसे पा रहे हैं इनके, थोड़े बारिशें हुई हैं उनमें कबूतर थोड़े ख़राब हुए। अब ये देखें ये चलेगा ऐसे जैसे अरबी घोड़े चलते हैं। इसके चेहरे का रुआ भी अलग है। चार कबूतर तकरीबन आपको दिखा दिए हैं। एक ये रंग आता है बड़ा खतरनाक रंग है, आँख का नूर भी
देखिएगा और नूर के बराबर में इसका रिंग भी बहुत अच्छे हैं और ये भी यरकान आँख में। चोंच भी देख लें, जो चोंच होती है वही पलक होती है। सर का रंग सबका एक ही आएगा, गले का रंग एक ही आएगा, सबज ही आएगा। ये इनकी ख़ास जो निशानी है, फांटे इनके और ये इनका पल्ला। ये जितना जायका हम लोगों को आ रहा होता है ना वीडियो में, क्या आप लोगों को जायके आएंगे, लेकिन मजबूती और परवाज़ के ये बादशाह कबूतर हैं। ले लीजिए, ले लीजिए, एक मिनट ही रखिएगा। ये भी अरबी घोड़े की तरह चलेगी जो। अच्छा माशाल्लाह, मादी है ये। जी जी जी, अभी नई जगह आए हैं ना तो सहम किए कबूतर। अभी एक मादी है, लड़ गई है। ये भी पट्टी है, देखें इसकी आँख हल्की सी गुलाबी, जाए ऐसे ही अपनी एज पूरी करेगी, ये पूरी दूध की आँख हो जाएगी और इसके गुलाबी जर्रे भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो बलोच है, ये उनकी सबसे फेवरेट टोपी वाले फ़कीर गुल है। और ये जब टैडियों में लगते हैं तो फिर टैडियों को ये हुसन दे देते हैं। अभी मैं जब छोड़ूंगा ना तो आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इस कबूतरी का। अच्छा वैसे किन किन नस्लों के नाम से मतलब इनको याद किया जाता है थोड़ा? देखिए बेस जो है ना भाई, वो सबसे पहले जो आता है वो टोपी वाले आते थे, फिर कॉर्नर वाले आते थे, फिर जो समझ गले के फीके सरों के पांटे वाले, वो खाली फकीर गुली थे। ये तीन नस्लें शुरू से चलती आ रही हैं। फिर इनमें कबूतर भी लाए गए तो थोड़े छप गए ये कबूतर ना, जो छाप आनी शुरू हो जाती है, जो मैं बोलता हूँ 5 साल में पूरी आती है, थोड़ी फिरोजपुरी टाइप हल्की सी आती है, सिल्वर सी छाप आती है। अब ये नायाब होते जाते हैं कबूतर, जब इनमें कबूतर मिलता है ना तो ये थोड़े से फांटे कम हो जाते हैं इनके। और फिर इनके साथ मेरे ख्याल से कोई मिस्सा कबूतर लगा है, जहाँ तक मेरा दिमाग का ताल्लुक है, मिस्से कबूतर लगे हैं तो फिर जाके ये बाजारी फकीर गुल बन गए, पूरी पूरे छपे हुए कबूतर। अच्छा, तो चौथी पाँचवीं नस्ल फकीर गुलों की बाजारी आ गई। तो जेठ में अगर इनको उड़ाना हो क्रास देना पड़ता है, नहीं तो वही में 2-2.5-3-4 का टाइम लेना आपने, 3-4 तक का टाइम लेना तो फिर तो ये एंड है। वही मेरा सवाल ये था कि क्रास किस नस्ल में दिया जाए इसको? क्रास इनको जब टैडियों में दिया जाता है, देखिए टैडी इस वक्त शायद किसी अच्छे खिलाड़ियों के पास ओरिजिनल रहे हो, सब ने खूबसूरत करने के लिए, फैंसी करने के लिए कबूतर तो बहुत अच्छे बना दिए, परवाज भी बहुत है, मजबूती खत्म हो गई। अब वो अक्सर मेरे को आते उस्ताद, देखे ये जोड़ा मैंने बहुत अच्छा लिया माशाल्लाह, बच्चे भी 4-5 घंटे उड़ते हैं और जैसे ही जेठ और वो गर्मी पड़ती है टाइम ज़्यादा करते हैं, कबूतर वापस नहीं आते, वापसी ख़त्म कर दी ना आपने, मजबूती ख़त्म कर दी। तो मजबूती के लिए ये फिर जब फकीर को लगता है फिर तो कहता है मैंने घर आना ही आना है, मेरी मौत घर पे ही होगी। चलें जी, और कुछ सवाल अगर वो देखें आप उस माटी को देखें, इसी नस्ल को लेके ये टैडियों को खड़ान देते हैं कबूतर। इसी टॉपिक से लेके अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरा ध्यान भी डाइवर्ट रहता है आपको कबूतर दिखाने में और कैमरा मैनी के फराइज सर अंजाम देने में, तो जो जो मेरे जहन में सवाल आता रहता है मैं करता रहता हूँ। अब ये देखें, ये टैडी से बना हुआ है, फकीर गुल से बना हुआ है ना, ये देखें अब जो जितने भी देखें शेखों के पास जितने भी उड़ा रहे हैं ना, वो ये वाले टैडी उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मजबूती बे इंतहा, अकल तो इनमें है ही है, शान बहुत है। अब ये लड़ीदार, ये पुराने जौनसरे टैडी कह ले, लेकिन ये बने किसने, ये टोपी वाले फकीर गुलों।